क्या फ्रेंड्स आप भी इंस्टाग्राम को यूज करते हो? जैसे हम इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, 2-3 घंटा उसको चलाने के बाद हमारे मोबाइल में जो भी डाटा होता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो इंस्टाग्राम में डाटा सेव कैसे ऑन कर सकते हैं, हम डाटा की बचत कैसे कर सकते हैं, वही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आप भी सीख जाओगे इंस्टाग्राम को डाटा सेव को कैसे ऑन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में डाटा की बचत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फटाफट, आपका बिना टाइम गवाए। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको पास में घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा गाइस, तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, यानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आपको ओपन कर लेना। जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करोगे तो अपनी प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर, और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना ताकि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लोगे, आपको मेरे में कोई भी समस्या आई होगी तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मैसेज का मैं 100% रिप्लाई दूंगा और आपके मेरे में समस्या आई होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो मेरे को आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। उसके बाद आपको दिख रहा हो कोने में कनेक्ट डॉट का आइकन, उस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आपको दिख रहा हो सेटिंग एंड प्राइवेसी, उस पर आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे इंटरफेस कर लेना। जैसे आप नीचे इंटरफेस करोगे तो गाइस आपको दिख रहा होगा डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपको दिख रहा होगा डाटा सेवर, उस पर आपको ऑन कर लेना। जैसे उसको ऑन कर लोगे तो मतलब जो भी डाटा होगा वो सेवर ऑन हो जाएगा और इंस्टाग्राम को 3-4 घंटा यूज भी करोगे तो आपका डाटा होगा या इंटरनेट होगा वो खत्म नहीं होगा, इंस्टाग्राम पूरे दिन भी चला सकते हो। जैसे उसको ऑन कर लेना। जैसे उसको ऑन कर लोगे तो मतलब जो भी डाटा होगा वो कम खर्च होगा, वो इंस्टाग्राम लिमिटेड टाइम भी चला सकते हो। तो चलिए गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के पास में घंटी दिख रही है उसको जरूर दबा देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाऊंगा गाइस, तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो आज इतना ही, तो आपके लिए जय हिंद वंदे मातरम, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी।